अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नासिर व्लॉग। अल्लाह के फजल करम से शुरू करते हैं आज की मज़ेदार सी वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें, और वीडियो एंड तक वॉच करनी है। इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आएगा। तो आज 8:30 हो गए और हमारे नाश्ते का टाइम हो गया है। और एक और बात बता दूं कि पहले तो हम लोग खाना वगैरह खाते थे बाहर से, लेकिन अब हम लोगों ने खुद बनाना शुरू कर दिया हॉस्टल में। और वो लड़का लेने गया रोटियां, उसके बाद आप लोगों को नाश्ता दिखाता हूँ कि नाश्ता आप किस तरीके से हम लोग बनाते हैं, मतलब तो किस तरह का नाश्ता या रोटी वगैरह हम हॉस्टल में बनाते हैं। उससे पहले यार मैं ना टू बुर्श कर लूँ। यार किधर गया मेरा बुर्श? ये रहा। हाँ, टू बुर्श कर लूँ मैं और उतनी देर में नाश्ता हमारा रेडी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह से टू बुर्श कर ली है, दरवाज़ा वॉशरूम का बंद कर दूँ तो अब चलता हूँ दूसरे रूम में हमारा नाश्ता रेडी है, वहाँ चलता हूँ। रूम में हम लोग हो गए, दूसरे रूम में हम लोगों का नाश्ता रेडी हो गया, उधर ही चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? ये हमारा नाश्ता रेडी हो गया है। क्या बना हुआ है? कद्दू गोश्त। हाँ याद है, रात को कद्दू गोश्त बनाए हुए थे, तो वही पड़े हैं। नाश्ता हमारा उसी के साथ है। आ जाए जी बिस्मिल्लाह से, अगर किसी ने नाश्ता करना है तो। अल्हम्दुलिल्लाह से नाश्ता कर लिया है और अब पहुँचा हूँ अपने बिस्तर पे। दिल सोने का तो नहीं है, लेकिन फ्री और क्या करूँ, बस अभी नमाज़े ज़ोहर की अज़ान आ गई है मस्जिद में, और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं अभी नहा के रेडी हो गया हूँ, तो चलते हैं सीधा नमाज़ पढ़ने। अल्हम्दुलिल्लाह से नमाज़े असर अदा करके आ गया हूँ, और अब मैं आ गया हूँ ऊपर छत पे। यहाँ ज़रा माहौल देखने और रिलैक्स, मतलब सुकून, ज़रा सुकून फील करने के लिए धूप में। अभी सूरज काफ़ी तेज़ खड़ा है, देख रहे होंगे धूप भी लग रही है। तो नीचे कमरे में ज़रा ठंड लग रही थी, इस वजह से मैं ऊपर आ गया हूँ कि ज़रा सुकून फील होगा, एनर्जी हासिल होगी एक तो सूरज से। तो अभी मैं जब तक सूरज है, तकरीबन 40-45 मिनट है सूरज, तब तक यहीं बैठा हूँ, उसके बाद नीचे जाऊँगा, फिर हमने अपना सालन बनाना है और फिर खाना है। अभी हम लोगों की सब्ज़ी आ गई है, भाई सब्ज़ी ले आए हैं। क्या लाया यार? आलू मटर। मेरे वैसे भी मटर फेवरेट है। मैं अभी छुरी उठा के ना साथ सब्ज़ी की कटिंग करते हैं बैठ के, उसके बाद सब्ज़ी बनाएंगे। नहीं, पहले मगरिब की नमाज़ का टाइम होने वाला है, सब्ज़ी काट के पहले मगरिब की नमाज़ जा के पढ़ेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह आके सब्ज़ी बनाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हम दोनों ने सब्ज़ी की सारी कटिंग कर ली है जी। और अब मैं जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने, और उसके बाद आके फिर सब्ज़ी बनानी है। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं नमाज़ पढ़ के आ गया हूँ, और भाई ने सालन, इसने मुझे ये बताओ कि पानी कितना डालना है। सालन बनाना शुरू कर दिया। कहाँ तक पहुँचे हो? इसमें पानी कितना डालना है, क्योंकि अभी हमने इसमें आलू डाले हैं। बोनी आ गई है? नहीं आई फिलहाल, अभी डाले हैं। तो कितना पानी? हल्का सा थोड़ा बस, ठीक है। हाँ अभी से अच्छे तरीके से हला दो, एक मिनट के लिए ना ऊपर ढक्कन दे दो, और फिर अच्छे से इसकी बोनी आ जाएगी, उसके बाद फिर पहले मटर डालने थे, दोनों इकट्ठे डाल देते हैं, वो दोनों भूनते रहेंगे। अच्छा आलू भी अभी डाले हैं? अभी डाले हैं, बिल्कुल अभी डाले हैं। चल फिर सही है। अल्हम्दुलिल्लाह से सब्ज़ी को अच्छे तरीके से भूनी लग गई है, और अब इसमें डालेंगे पानी, मतलब कि जितना
आप लोगों ने ग्रेवी बनानी है, हम लोगों ने चार लोगों की ग्रेवी बनानी है, तो मैं एक गिलास इसमें पानी डालूँगा, आधा किलो सब्ज़ी में। ये एक गिलास पानी डाल गया, अभी से तकरीबन 7 से 8 मिनट तेज़ आग पे खड़ा कर देंगे, उसके बाद फिर आपको दिखाऊंगा। 10 मिनट हो गए हैं पानी डाले हुए, और अब एक आलू निकाल के चेक करते हैं सही बन गया या नहीं। चेक करते हैं, सही हो गया, सही हो गया। ऑलमोस्ट रेडी है सालन। जाओ यार रोटियां ले आओ। अल्हम्दुलिल्लाह से सालन हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। मैंने ये देखें बिल्कुल हल्की आंच पे खड़ा कर दी है। वो दूसरा भाई रोटियां लेने गया है, उसके बाद उतार लेंगे और खाना खाएंगे। तो हमें दीजिए इजाज़त, आज का व्लॉग हुआ हमारा यहीं पे मुकम्मल। मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। हाँ, जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।